Hello everyone, I am Shalini Sharma in front of you and now start long run equilibrium level. Last class के अंदर हमने short run equilibrium level किया था, I hope आपको समझ आया होगा और आज हम long run कर रहे हैं. Short run के अंदर हमारे 3 type के profits थे, which are super normal profits and minimum loss. But long run के अंदर हमें मालूम है कि हम वेरिएबल फैक्टर्स एज वेल एज फिक्स फैक्टर्स बोथ वेरिएबल्स को हम चेंज कर सकते हैं. तो आप लिख सकते हो कि फिक्स फैक्टर्स और वेरिएबल फैक्टर्स दोनों को चेंज कर सकते हैं लॉन्ग रन के अंदर, जबकि शॉर्ट रन में सिर्फ कौन से फैक्टर्स को चेंज कर सकते थे, वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज कर सकते थे, फिक्स फैक्टर्स का कोई चेंज नहीं कर सकते थे. तो ये मेन प्लस पॉइंट आ जाता है कि लॉन्ग रन के अंदर एक मोनोपोलिस्ट वेरिएबल एज वेल एज फिक्स फैक्टर्स को चेंज कर सकता है. शॉर्ट रन के अंदर मैं आपको साथ के साथ डिफरेंस भी बता रही हूँ कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का क्या डिफरेंस था. शॉर्ट रन के अंदर आप सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स एंड मिनिमम लॉस 3 कंडीशंस को ले सकते थे, बट लॉन्ग रन के अंदर हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स को ही गेन करते हैं. क्यों? क्योंकि इसके अंदर किसी की एंट्री नहीं हो सकती है. आप अकेले सेलर हो तो आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस जो डिमांड है उसके बेस पे प्राइस फिक्स करते हो, और आप लॉन्ग रन में फिक्स फैक्टर्स का भी फुलर यूटिलाइजेशन कर सकते हो, इसलिए इसके अंदर हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को गेन कर सकते हैं. आगे बात समझ, एज वेल एज कई बार कंडीशन आती है कि नॉर्मल प्रॉफिट्स को भी गेन कर सकते हैं, इसलिए हम कह देते हैं कि जो एवरेज जो रिटर्न है वो क्या होता है, प्राइस भी होता है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एवरेज कॉस्ट. लॉन्ग रन के अंदर ये वाली कंडीशन बन जाती है. एवरेज रिटर्न मीन्स प्राइस, मैंने आपको पहले समझाया कि मोनोपोलिस्ट के अंदर हम एआर को ही प्राइस भी बोल देते हैं, वो या तो ग्रेटर होगा या इक्वल होगा एवरेज कॉस्ट के. इसी सिचुएशंस में हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स को गेन करेंगे. तो कुछ भी नहीं है, जो हमने कल शॉर्ट रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट किया था वही सेम लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम लेवल बन जाएगा. आ गई बात समझ? तो ये देखिए, हम यहां बना रहे हैं, ये हो गया आपका रेवेन्यू और कॉस्ट, ये हो गया आउटपुट. ठीक है, तो ये है एआर और ये है एम आर. दिस वन इज ए आर एंड दिस वन इज एम आर हो गया. वही सेम कंडीशंस है इक्विलिब्रियम लेवल के लिए, क्या कि एम सी जो है वो एम आर होगी और एम सी जो है वो एम आर को नीचे से कट करेगी, बिलो पॉइंट से. ठीक है, तो वही सेम दोनों कंडीशंस को हम इक्विलिब्रियम लेवल के अंदर मान के चलेंगे. तो आपको पहले तो बनानी है इधर ए सी और फिर एम सी. ये देखिए, दोबारा से बनाने की कोशिश करते हैं. ये हमारी है एवरेज कॉस्ट और ये है मार्जिनल कॉस्ट. ठीक है, क्योंकि मैंने कल भी आपको ये एक, आप ये कह सकते हो कि ट्रिक समझाई थी कि जब हमने सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बनाना है तो हम एसी और एमसी जो एवरेज कॉस्ट है उसको एवरेज रिटर्न से नीचे की तरफ लेके चलेंगे. जब नॉर्मल प्रॉफिट्स दिखाने हैं तो एसी को एआर से टच करेंगे, और जब हमने मिनिमम लॉस दिखाना है तो हम एवरेज कॉस्ट को एआर से ऊपर की तरफ ड्रॉ करेंगे. तो ये तीनों ट्रिक्स एक जो बीकॉम लेवल के बच्चे हैं उनको मैंने ध्यान में करवाने की कोशिश की थी. तो अब वही सेम कि वेयर इज एमसी इज इक्वल टू एमआर. तो एमसी क्या है, हमारी ये वाली कर्व है, ये एमआर को कहाँ कट कर रही है, एम आर कहाँ है हमारा, ये रहा एम आर, तो इधर कट कर रही है. ठीक है, अब इससे हम आगे देखेंगे कि एवरेज रेवेन्यू मीन्स प्राइस कहाँ फिक्स करें हम. तो प्राइस कहाँ फिक्स हो रहा है, इसको ऊपर ड्रॉ करो, ये देखिए ए आर को टच कर रहा है इस पॉइंट पे. ठीक है, इट मीन्स मैंने आपको क्या बोला कि प्राइस कहाँ डिटरमाइन करना है लॉन्ग टर्म के अंदर. तो प्राइस डिटरमिनेशन ए आर बोल दो या आप इसको प्राइस बोल दो, मीन्स हमने यहाँ पे प्राइस फिक्स कर दिया, इस प्राइस पे मैं इतना आउटपुट देने के लिए रेडी हूँ. और अब ये देखिए कि इस प्रोडक्ट
जो प्राइस फिक्स किया है, इस पर हमारी कॉस्ट कितनी लग रही है। कॉस्ट के लिए हमें क्या चेक करना पड़ता है कि ये एवरेज कॉस्ट को कहाँ कट कर रही है। एवरेज कॉस्ट ये वाली कर्व है, तो इसको हम यहाँ देख लेते हैं। इट मीन्स एवरेज कॉस्ट ओ सी है और प्राइस क्या हो गया, ओ पी हो गया। तो एवरेज कॉस्ट तो क्या है, ओ सी। एवरेज कॉस्ट इज ओ सी और प्राइस कितना हो गया, ओ पी। यस, ओ पी दिस वन, दिस इज ग्रेटर देन ओ सी। तो यही तो थी कंडीशन, ओ पी इज ग्रेटर देन ओ सी। तो ये क्या बन गया, हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। इट मीन्स मोनोपलिस्ट के लिए ये वाला जो शेडेड एरिया है, ये हो गया है उसका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर और नॉट? बस इतना सा ही पॉइंट था। और ये मोनोपली के अंदर 20 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन जाता है कई बार, लॉन्ग रन की डिटरमिनेशन इक्विलिब्रियम लेवल निकालना का। तो बहुत इजी सा है, अगर आपको शॉर्ट रन समझ आ गया तो उसमें से ही एक पॉइंट लॉन्ग रन का है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज होने वाला पॉइंट नहीं था, इजी सा पॉइंट था। तो अकेली एक ही कर्व है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स की। आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही। अब ये प्राइस डिटरमिनेशन था इन लॉन्ग टर्म या लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम इन मोनोपोली केसेस में। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलती हूँ, आप इसको पूरा अच्छी तरह से समझ लीजिए और बार बार कर्व को ड्रॉ करके देखिए। जितने ज़्यादा ड्रॉ करके देखोगे उतना ही ज़्यादा फिनिशिंग आएगा और उतने ही पॉइंट्स ज़्यादा क्लियर होते हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए मेरे चैनल को। मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।